चालू है ना। अब हम सीमाओं, सीमा जो है लिमिटेशन, ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है हमारा प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रतिरोध क्या है इसको समझते हैं। लंबवत संचार की नीतियों एवं निर्णय अधीनस्थों की सहभागिता या भूमिका नहीं होती, ठीक, जो अधीनस्थ होते हैं। अब एक बात सोचिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसको भी। देखिए, कोई अधिकारी है, ठीक, अब इस अधिकारी ने क्या किया, कोई ऑर्डर पास किया, यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया, फिर कोई अधिनियम बनाया, ठीक है, आप ऑर्डर भी लिख लीजिए, इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बनाया। अब ये किसके लिए बनाया, ये बनाया कर्मचारियों के लिए, ठीक है, कर्मचारियों के लिए। अब जब ऐसी अब धारणा आ गई, अब देखिए प्रतिरोध कैसे हो सकता है कि जो अधिकारी ने, जो भी ऑफिसर है, इसने ऑर्डर बनाया है, उस ऑर्डर का क्या महत्व है या फिर क्या असर पड़ेगा कर्मचारियों के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारी कह दे भाई जो आपके काम करने का समय है, ठीक है, मतलब कार्य का समय, उसका वो समय बढ़ा दे। मान लीजिए अभी आप 10 से 5 की जॉब कर रहे हो, ठीक, 10 से 5 का भी जॉब टाइम है, उसने कहा आपसे ये नहीं चलेगा, आपका टाइम 6 इधर कर दिया मैंने, आपका टाइम 9 से 6 होगा, आपके तो बढ़ गए भाई 2 घंटे, भाई 9 से 6 का टाइम आपका कर दिया उन्होंने, तब क्या हो गया, काम का टाइम बढ़ गया। फिर उसने कहा भाई ऐसा है, आपका जो लंच टाइम है, ठीक है, जो खाना खाने का समय है, उसमें भी वो परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक आपका जो खाना खाने का समय था वो था आपका 1 PM से लेकर के 2 बजे तक का। अधिकारी ने कहा भाई बहुत आलसी हो गए हो, बदलाव करो, ठीक है जी, बदलाव कर दो। उन्होंने कहा अब आपका समय होगा 1 से 1:30 बजे तक का, यहाँ पे भी कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको महीने में 3 छुट्टियाँ मिलती हैं, सब छुट्टियों को हटा दो तो, ठीक है, इतना अवकाश मिलना। अब महीने में कितना, 30 दिन हम एवरेज मान चलते हैं, 3100 में मैं नहीं मान रहा, 30 दिन मिलते हैं। 30 दिन से उन्होंने बोला कि संडे हो गए आपके, 4 से 5 संडे होते किसी दिन में, हम 4 मानते हैं कॉमन, 4 संडे हो गए आपके, ठीक है, सैटरडे आपका हाफ डे होता ही है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये सब मिला करके आपको छुट्टियाँ काफ़ी मिल जाती है, और उसके बाद में आपको मेडिकल लीव जो इसमें मिल रही है, मतलब किसी भी कारण से आपका पर्सनल कारण हो, आपकी तबीयत ख़राब है, किसी आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको 3 छुट्टियाँ महीने में दी जाती है, जिनका आपका पैसा नहीं कटेगा। अब अधिकारी क्या करता है, ख़त्म करता है, बोलता है ये 3 छुट्टी वाला सिस्टम बेकार है, एमरजेंसी में कोई 1 छुट्टी मिलेगी, 1 छुट्टी कर दी, 3 को काट करके 1 छुट्टी कर दी। अब वो क्या करेगा, 1 छुट्टी करने के बाद वो बोलेगा कि ये छुट्टी भी तब मिलेगी जब आप हमें पहले इन्फॉर्म करेंगे, कम से कम 1 दिन पहले, मतलब 1 छुट्टी आपको चाहिए तो उससे 1 दिन पहले आपको खबर करनी है कि सर हमें इस दिन की छुट्टी चाहिए, और अगर खबर नहीं आई तब क्या होगा कि 1 दिन, जिस दिन आप छुट्टी ली, सोचिए आपने ट्यूजडे को छुट्टी ली, ठीक है, ट्यूजडे को आपने छुट्टी ली, तो खबर आपकी पहले कब आनी चाहिए, मंडे को आनी चाहिए, लेकिन आपने मंडे को खबर नहीं दी, तो अब वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे फिर आपकी वेडनेसडे की भी लीव लगाई जाएगी और मंडे का भी आपका कट कर देगा, तो मतलब 3 दिन का आपका लॉस, 3 दिन छुट्टी तो कैंसिल करके 3 दिन पनिशमेंट में आपके बदल दिए उन्होंने, तो ये आपको पनिशमेंट के तौर पर देखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, अब जो कर्मचारी होंगे वो क्या करेंगे, इस चीज़ का विरोध करेंगे, भाई बोलेंगे कि ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप हमारे साथ, ऐसा नहीं,
अधिकारी बोला अच्छा जवान लड़ाते हो मुझसे, रुको मैं और बताता हूँ, मैं और छुट्टियाँ, मैं तुम्हारे और कड़े नियम बनाता हूँ। बोलेंगे क्या? बोलेंगे साल में जो बोनस मिलता था वो भी कम होगा, ठीक है। अब तक आप 5% का बहुत, सॉरी 5% मैं 15 लिख दिया, अब तक आप 5% का बोनस हर साल ले रहे थे, वो घटा करके 2% कर रहा हूँ, 2% का मिलेगा। साथ में जिसकी अटेंडेंस जो 100% आएगा, मतलब कभी किसी रीजन से छुट्टी नहीं ले रहा पूरे साल भर तक, उसको ही इंसेंटिव मिलेगा। प्लस में इंसेंटिव के लिए उसका जो काम का परफॉर्मेंस है वो भी एकदम हाई होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे नियम सोचे बना दिए जाए आपके ऊपर। अब ये क्या हो गया, कंपनी, हालांकि कोई भी कंपनी, कोई भी महकमा, कुछ भी हो, वो नियम बना सकती है ऐसा, लेकिन नियम बनाने के बाद में क्या कर्मचारी उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे? वो बोलेगा भाई जीने क्यों दे रहा है, गला घोट के मार दे हमें, हमारी जान निकाल ले, हमारे प्राण हरण कर ले भाई, हम एक काम करते हैं घर नहीं जाते, तेरे पास रुक जाते हैं। जिनको जिनकी शादी हो गई उनके लिए तो और बुरा, कैसे भाई? सिंपल है, बीवी तो घर पर तांडव मचा देगी, 2 घंटे कहाँ जल्दी जा रहे हो, लेट आ रहे हो, क्या बात है, वो क्या समझाएगी बॉस ने टाइम बढ़ा दिया, ठीक। तो ये समस्या देखने को मिल जाएंगी, तब क्या होगा, प्रतिरोध शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब आप प्रोटेस्ट पर उतर जाओगे, नहीं नहीं हाय हाय हमारा अधिकारी, हाय हाय, और फिर अधिकारी को मजबूरन क्या होगा, आपकी बात माननी पड़ेगी। मानेगा भी नहीं मानेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। कभी कभी क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का एक और कारण भी बन जाता है कभी कभी, कैसे समझते हैं। मान लीजिए ऑफिसर को लग रहा है कि भाई जितने की जरूरत है काम के लिए उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वो नियम और कानून ऐसे कड़े कर देगा, बहुत ज़्यादा कड़े कर दिए, आप प्रतिरोध कर रहे करते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरे यार छोड़ नाम तो छोड़ के जा रहे हैं, बदल देते नौकरी। वो कहेगा ये तो मैं चाहता हूँ कि आप नौकरी बदल दो, क्योंकि वो डायरेक्ट निकाल नहीं रहा, लेकिन डायरेक्ट निकालने पर उसका योगा भी कुछ रूल फॉलो होंगे, कुछ जवाब देने पड़ेंगे, वो जवाब कैसे देगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे प्रोसेस बनाते हैं, और कभी कभी ज़्यादातर चीज़ों में उनको कामयाबी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्मचारी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं पूरा ही विरोध कर बैठते हैं, कहते हैं नहीं नहीं होगा, हम ना छोड़ के जाएंगे ना काम करेंगे ऐसे। तब उतना वो बीच में मांडवली की बात आ जाती है, आओ समझौता कर लें, तब समझौते की स्थिति आती है, ठीक है। तो ये सीमा जो लिमिटेशन है किसकी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। ये अगर यहाँ पे जो प्रतिरोध वाली स्थिति है, अगर यहाँ पे कम्युनिकेट हो जाए, कम्युनिकेट कैसे, सोचिए आप जानते हैं कि भाई एक हेड बना दिया जाता है, कैसे हेड, कर्मचारी जो होते हैं कर्मचारियों के लिए एक हेड बना दिया जाता है, ठीक है, जो कर्मचारियों के जो नियम कानून होते हैं उनको बनवाएगा, उनके अंदर मदद करेगा, कर्मचारियों को क्या इंस्ट्रक्शन देने वो बताएगा। अब उससे ही सेटिंग कर ले बॉस, ठीक है, उसको पटा ले कि भाई तेरे भला उतरेगा, तू टेंशन मत ले, बस मेरे को इनसे बचा कर रखना। वो बोलेगा ठीक है बाप, मेरा ख्याल रखना, मैं आपका रखूँगा। क्या हुआ प्रॉब्लम, तो वैसे ही ऐसे कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अधिकारी है उसे हर कर्मचारी का ध्यान रखते हुए नियम बनाने चाहिए। ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर को पकड़ा, नियम बनाया, किस्सा ख़त्म, वो सब नहीं होना चाहिए। हर किसी का ध्यान में रखना चाहिए कि किसकी ज़रूरत है, कैसी है, क्या। अब ये भी हो सकता है, देखिए कुछ इंसान बोले सर मेरी ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही, आप तो 3 छुट्टी की बात कर रहे हो, मुझे तो 5 छुट्टी चाहिए, मेरे घर में बीमार ज़्यादा पड़ते हैं लोग। वो कहेगा भाई ऐसा तो घर को जा, घर ही संभाल ले, ठीक है। मतलब डिमांड भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कर्मचारियों की कि एकदम अलग जा करके, कि व्यवस्था से अलग चली जाए। जब व्यवस्था से अलग चली जाएगी डिमांड, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्या वो कर्मचारी लेवल पे हो या अधिकारी लेवल पे हो, ठीक है, दोनों लेवल पे ये समस्या आएगी। तो ये है प्रतिरोध की समस्या, सॉरी प्रतिरोध की सीमा, ठीक। अगला डिस्कस करते हैं इसके बाद, अगला हमारा है इसमें नंबर 4 मिश्रण। देखिए इसमें क्या होगा, जो अभी हम अधिकारी से लेकर के और कर्मचारी के बीच की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मिश्रण की स्थिति देखी जाएगी। कैसे, मान लीजिए कर्मचारी के जो नियम बन रहे हैं, कुछ नियम किसी प्रकार के बन रहे हैं, तो उन नियमों में
बदलाव हो सकता है, ठीक है, जिसमें संशोधन है, या फिर कमी आ सकती है नियम, कोई नए नियम जुड़ सकते हैं, नए नियम जुड़ना, कुछ भी हो सकता है। हम वैसे बदलाव संशोधन एक ही बात रहेगा, वही सब ऐड करेंगे, नए नियम ये सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मिश्रण का मतलब क्या है कि अधिकारी और कर्मचारी के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में सभी को शामिल करना। अब सोचिए अगर बीच के जो बंदे हैं, बीच का जो मतलब जो बीच में कड़ी है, जो जुड़ रही है अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में, क्या वो चार ऑफिसर हों, आठ हो, बारह हों, कितने भी ऑफिसर वो हो सकते हैं, अगर आप उनको अनदेखा कर देंगे, समझिए, अगर उन ऑफिसर को अनदेखा करके आपने नियम बना दिए, तो ये भी हो सकता है कि ये जो नियम नए बनाए गए हैं इनकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, किसी के काम में बाधा आ सकती है। वो कहेगा सर आपने जो नियम बनाए वो ठीक है लेकिन मेरे काम उसके से इफेक्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अधिकारी क्या करेगा कि कोई भी नियम कानून बनाएगा उसमें सबको सम्मिलित कर लेगा, सबको इकट्ठा कर लेगा, एक साथ ले लेगा, ठीक है, सबको सम्मिलित करेगा। जैसा होता है ना कभी कभी कि एक मीटिंग बैठती है, उसमें सबके साथ बैठ जाते हैं, भाई आज मीटिंग होनी है, आज सोच समझ के जाइएगा, घर मत जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, खबर दी जाती है सबको मीटिंग हो रही है। मीटिंग किस लिए होती है, कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, सबका सलाह मशवरा उसमें लिया जाता है। या फिर एक ऐसे नोटिस बोर्ड लगा दिया कि भाई एक नोटिस बोर्ड लगा दिया और उस पर लिखा हुआ है कि सूचना, ठीक है, और सूचना के संदर्भ में वो बता दिया उस पर कि भाई ये चीज़ें हैं, इस पर डिस्कस होना है, अपने कृपया अपने सुझाव इस तिथि से पहले, इस तारीख से पहले भेज दें। तो सभी का मतलब इसमें क्या है कि एक तरीके से सभी का समर्थन शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाती है मिश्रण की स्थिति हमारी। अब देखिए आप जैसे घर है, मान लीजिए घर में आपके दादाजी हैं, ठीक है, आपके आपके पापा हैं, कोई भी जो बड़ा घर का मुखिया होता है उसको ले लीजिए। अब वो क्या करेगा कि जो नियम बनाने हैं घर के लिए उन्होंने बना दिए, और कुछ भी फैसला होता है वो अकेले ले लेते हैं, क्या किसी को पढ़ाई का हो, किसी की शादी का हो, ठीक है, किसी को कोई बाहर भेजने का हो, या किसी को कुछ कपड़े पहनने के, जैसा कुछ भी नियम हो वो अकेले नियम बना देते हैं, घर वाले तो पूछते नहीं क्या करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी किसको, घर वालों को होगी, भाई एक टाइम ऐसा आएगा वो विद्रोह कर बैठेंगे घर वाले, कहेंगे अच्छा ये कोई तरीका थोड़ी है, हमें जीने नहीं दे रहे, फांसी लगा दो, हमें जमीन में दफना दो हमें। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो उसमें सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि घर वाले क्या करते हैं, सभी को मिश्रण कर, सभी का मिश्रण कर, सबको मिलाते हैं आपस में। और वो टाइम कब आता है, खास तौर पे डिनर के टाइम पे वो टाइम आता है, ठीक है, कहते ना हम सब बैठ के एक साथ डिनर करते हैं, रात्रि भोज एक साथ करते हैं, क्यों भाई, पूरे दिन में क्या किया है, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे वार्तालाप हो जाती है। हालांकि कुछ घरों में रूल होता है कि भाई खाना खाते वक्त चुप, मुँह बंद, मुँह पे उंगली, कतई बात नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं, थप्पड़ पड़ेगा, खाना अंदर चला जाएगा अगर बात की तो ऐसी कंडीशन भी आती है। तो ये नियम के ऊपर बात है। तो मिश्रण में क्या है कि आप सबको एक साथ लेके चल रहे हो, सबको एक साथ मिला रहे हो, और उसमें जो कर्मचारियों को होने वाली समस्या है और उस समस्या से उत्पन्न काम में जो बाधा है, काम किसका है, अधिकारी का, वो भी उत्पन्न नहीं होगा अगर आप सबके साथ में बैठ करके नियम बना रहे हो, उन नियमों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारा मिश्रण का पार्ट। और इसके साथ में हमारा जो लिमिटेशन है वो खत्म होता, लिमिटेशन का जो ये सीमा है ख़त्म होती है। अब हम जो डाउनवर्ड थ्योरी है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन थ्योरी है, ठीक है, उसके अंदर एक और चीज़ रह गई कि इसके प्रभाव क्या है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसमें चार पांच टॉपिक वो पढ़ करके इसको ख़त्म करेंगे। तो प्रभावी बनाने वाले तत्व क्या है उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला इसमें है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लंबवत संचार। ठीक, लंबवत संचार करने की बात की है। देखिए यहां क्या है, लंबवत संचार में जो प्रबंधक होंगे और उच्च अधिकारी होंगे, ठीक है, इनको लंबवत संचार करना चाहिए, आपस में संचार करना चाहिए। मतलब अगर इनकी
बातचीत आपस में ही नहीं रही, आपस में कम्युनिकेट इनका नहीं है एक प्रकार से, ठीक है। तो जो नीचे वालों के लिए बनाने वाले हैं, ठीक है, जो नीचे वालों के लिए रूल्स बनाने वाले हैं या जिस जैसे भी उनसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो कैसे कर पाएंगे? सोचिए, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, ठीक, जो मिनिस्टर है उसका कम्युनिकेशन ऑफिसर से नहीं है, कोई आईएएस है या फिर आईपीएस है, उससे उसका कम्युनिकेशन ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे पॉलिसीज कैसे बनेंगी, पॉलिसी तो बनाएंगे और कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, वो समस्या आ जाएगी उसमें। तो क्या है कि लंबा संचार की एक अवधारणा बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, प्रभावी बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डाउनवर्ड थ्योरी है, डाउनवर्ड थ्योरी का मतलब कैसे है कि अधिकारी से चीज़ें नीचे की ओर आना, जो नीचे क्यों होना, नीचे कर्मचारी जितना ही वर्ग है, जितना भी कर्मचारी वर्ग आता है, ठीक है, उन सब की तरफ जाना, कर्मचारी वर्ग की ओर। ठीक, जब ऐसी कंडीशन आपको दिखेगी तब क्या है कि इसको प्रभावी बनाने के लिए आपको लंबवत संचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर ध्यान दे रहे, चीज़ चली जा रही, चीज़ चली जा रही, वो सब नहीं होना चाहिए। अगला इसमें पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अत्यधिक केंद्रीयकरण नहीं करना। कैसे, समझिए, मान लीजिए जो अधिकारी है, अधिकारी ने क्या किया, किसी भी चीज़ का उच्च रूप से केंद्रीकरण कर दिया, ठीक है, निर्णय ले लिया केंद्रीकरण में, अब जो केंद्रीकरण वो कर रहा है, केंद्रीकरण में निर्णय ले रहा है, उससे क्या हुआ कि एक मैं वाली भावना निकल के आती है बाहर, ठीक है, कि भाई मैं अधिकारी हूँ, जो मैं कहूँगा वही सही होगा, मैं ही सब कुछ करूँगा। अब उसने क्या किया, कर लिया, कर्मचारियों को इससे क्या होने लगी, समस्या होने लगी, कर्मचारी वर्ग को समस्या पैदा होने लगी, और उस समस्या के कारण क्या हुआ, उत्पादन की जो उनकी स्थिति है वो घटने लगी, ठीक है, उत्पादन की अब कंडीशन को देखा, ऐसा नीचे की तरफ एरो मार दीजिए, डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या, केंद्रीकरण के द्वारा ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक। अब यहीं पर अगर इसको उलट दिया जाए, ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो, मतलब अधिकारी वर्ग क्या करे कि मिश्रण वाला पहलू अपनाए और सबकी सहमति हो उसमें, मिश्रण खात में क्या हो, सबकी सहमति हो। अगर सहमति होगी तब क्या होगा कि कर्मचारी वर्ग जो है वो भी खुश रहेगा, ठीक है, कर्मचारी वर्ग खुश रहेगा, और उससे क्या होगा, उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक, उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, ऊपर की तरफ एरो। देखिए चीज़ें वही हैं लेकिन डिफरेंस कितना आ गया, एक तरफ उत्पादन की क्षमता डाउन में जा रही है, एक तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि अधिकारी जो हैं उनका फैसला भी निर्भर करता है कि अत्यधिक केंद्रीकरण नहीं करना। अगर आप किसी चीज़ पे अत्यधिक केंद्रीकरण कर लोगे, अत्यधिक केंद्रीकरण हम कैसे कर सकते हैं, मैं जो कहूँगा, मैं जो रूल बनाऊंगा वो ही फिक्स होगा, कुछ और नहीं, किसी और का रूल इस पे नहीं चलेगा। अब वो आपको पता रूल गलत है लेकिन आप अपने ईगो में आकर के उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो कि नहीं अब तो मैं करके रहूँगा, क्यों, क्योंकि आपको लगा कि एक कर्मचारी ने आपको उल्टा जवाब दे दिया, आपका ईगो हर्ट कर गया, उससे आपने बोला नहीं ऐसा, अब मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं, आप गए बना दिया, 50 कर्मचारियों में से किसी एक की वजह से आपने 49 कर्मचारियों का जीना दुश्वार कर दिया, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्या कैसी होंगी कि प्रतिरोध हो जाएगा शुरू, ठीक है, उत्पादन घटेगा, अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, रिपोर्ट पे इफेक्ट आएगा, ये सब समस्या आ जाएगी अगर अत्यधिक केंद्रीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकरण आ जाएगा तो अत्यधिक केंद्रीकरण को अगर हम प्रभावी बनाएंगे तब ये समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। अगला इसका टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा है इसमें, देखिए प्रबंधक और अधिकारियों के संगठन के उद्देश्यों, क्रियाओं, प्रगति एवं कर्मचारियों की दक्षता संबंधी पर्याप्त सूचना मिलनी चाहिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं केवल पर्याप्त सूचना की बात, पर्याप्त सूचना, ठीक, पर्याप्त सूचना में कैसे, देखिए जो संगठन है आपका, ठीक, संगठन चलाने का काम किसका है,
अधिकारी का, ये जो अधिकारी संगठन चला रहा है ये किस आधार पर चलाएगा, जब संगठन से उसे क्या क्या मिलेगा। देखिए संगठन के उद्देश्य से पता होंगे कि संगठन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ठीक, संगठन में क्रियाएं क्या होंगी, क्रियाओं को से पता होना चाहिए। उसके बाद प्रगति कितनी है, स्पीड कितनी है उसका, उसकी संगठन की। भाई अगर स्पीड नहीं है तो उसका अधिकारी का पहला काम क्या जाएगा, उसमें स्पीड डेवलप करें, यानी कर्मचारियों को मोटिव करें कि स्पीड लाओ अपने अंदर काम करने के लिए। और कर्मचारियों की दक्षता कितनी है, कर्मचारियों की दक्षता। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये होती हैं, ये पर्याप्त सूचना की तरह से, एक तरह से जब अधिकारी के पास पर्याप्त सूचना के रूप में ये संगठन की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तब एक अधिकारी पूर्ण रूप से कार्य कर पाएगा। यहां मैं लिख सकता हूं, नीचे जरूर लिखता हूं, पूर्ण रूप से कार्य करने में समर्थ। ठीक है, आप जैसे वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप, ये जो मैं बनाता हूँ बोर्ड पे ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो इसको आप नोट करिए, शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छा आपको समझने के लिए रहेगा हमेशा। ठीक, वैसा आप लोग ये वीडियो सेव कर लो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पर्याप्त सूचना में क्या हो गया कि संगठन की पर्याप्त सूचना है अधिकारी के पास, तो अधिकारी पूर्ण रूप से कार्य करने में समर्थ होगा। उसे पता होगा कि कौन सा कर्मचारी लूजर है, कौन सा सक्सेसर है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 50 जो कर्मचारी की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो 50 के 50 एक जैसे तो हो नहीं सकते। ठीक है, हर कर्मचारी अलग होगा, कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई नाटा होगा, ठीक है, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई अंग्रेज होगा, कोई शुद्ध इंडियन होगा। ठीक, तो सब अलग अलग होंगे, अलग अलग उनकी क्षमताएं होंगी, अलग अलग उनका सोचने नजरिया होगा, सॉरी। तो उसी के आधार पर जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके कर्मचारी कितने हैं, क्या वो काम कर सकते हैं, किसका काम क्या है, तो क्या है, यानी कि आपके पास पर्याप्त सूचना का अभाव है। ठीक, और जब पर्याप्त सूचना का अभाव होगा तब आप कोई भी कार्य को पूर्ण रूप से करने में असमर्थ होंगे। जैसे आपका घर के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपका घर है, ठीक है, आपके माता पिता को पता है कि भाई महीने में कितना खर्चा होता है, ठीक है, आपकी पढ़ाई पे कितना खर्चा करना है, घर की सामानों पे कितना खर्चा करना है, ठीक है, खाने पीने पे कितना खर्चा करना, कपड़ों पे, ये सब का एस्टीमेट आपके पापा को पता है, आपके घर वालों को पता है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक फिर भी एक एस्टीमेट बना कर चलते हैं कि इतना पैसा हमें बचाना चाहिए, क्या होगा उससे आने वाले समय में, मेरा बेटा है, बेटे, उसकी शादी होगी, पढ़ाई होगी, और भी वो बाहर जा सकता है या कुछ और भी नई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो वो क्या करता है, जीवन बीमे भी ले लेगा विभिन्न प्रकार के, कल को मर गया तो जीवन बीमा भी जरूरी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा ना भाई, कोई मना मरे वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो सृष्टि का नियम है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक सूचना उसके पास होती है जिसके अनुसार ही वो सब कार्य करता है, और सूचना का जब अभाव हो जाएगा तो आप पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पाओगे, पर्याप्त काम नहीं दे पाओगे अपना। ठीक है, तो सूचना का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अब इसके बाद लास्ट इसका टॉपिक रहेगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है आपका। 4 पॉइंट है इसका, अधिकृत व्यक्तियों को ही संचार किया जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक, देखिए कैसे, सोचिए कि आपका जो ऑफिस है, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, कुछ भी हो, ठीक है, अब वहाँ पर क्या है, अधिकारी है जो आपका, अगर अधिकारी ये नियम ना बनाए कि जो ऑफिस से जुड़ी चीज़ें हैं वो केवल ऑफिस के लोगों को पता होनी चाहिए, बाहर वालों को नहीं, तो क्या होगा, ठीक है, हर जगह लीकेज, क्या वो प्राइवेट सेक्टर हो, आपका घर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोई सी भी जगह हो, वहाँ पर क्या होता है,
कि जो सूचना है, ठीक है, सूचना ये देख के साझा की जाती है कि किससे साझा की जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सूचना को किसी को भी दे देंगे। आप कैसे करते हैं, हर दूसरे आदमी को अपने घर के बारे में बता देंगे। सब सोचिए जरा, इंडिया भी होता ना, जैसे आपका देश है इंडिया, ठीक है, हमारा देश है इंडिया, तो क्या इंडियंस में जो है मिलिट्री में है, ठीक है, नेवी में है, और अलग अलग पोस्टों पे हैं, होम मिनिस्ट्री है, अपने डिफेंस मिनिस्ट्री है, सब जो है, क्या ये लोग अपनी सूचना विभिन्न प्रकार के दे देते हैं? क्या पॉलिटिशियन होता अपने दे देते सूचना? नहीं। ये सब क्या है, ये है कि सूचना उसी को दी जाती है जो उससे जुड़ा हुआ हो, ठीक। मान लीजिए अधिकृत व्यक्ति को सूचना ना दे करके किसी बाहर वाले को सूचना दे दो, ठीक, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में, हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। जैसे अभी वो हमने परमाणु परीक्षण जो किया था पोखरण में, ठीक है, उसकी सूचना अगर हम पहले ही बता दो सबको, हुआ था ना मूवीज आपने सबने देखी होगी कि भाई सूचना पहले दे दी गई सबको, और सूचना देने के बाद में क्या हुआ कि उस पर रोक लगा दी गई, ठीक, ऊपर डांट पड़ी और बेचारा आईएएस ऑफिसर सस्पेंड कर देते हैं उसको, यही होता ना उसकी कहानी। फिर क्या होता है, अगली बार वो करते हैं तो सूचना बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है। जब सूचना गोपनीय रखी जाती है तब क्या होता है कि वो उस पर इफेक्टिवली काम कर पाते हैं, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और जब इजीली वो आगे बढ़ा पाते हैं तब क्या होता है उनको उससे एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम मिल पाता है। तो अधिकारियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सूचना किसको दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है। कभी कभी क्या होता है अधिकारी आलसी हो जाता है और कर्मचारियों ने नीचे सूचना बांट दी, ठीक। तो अधिकारियों का भी नियम होना चाहिए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि उन कर्मचारियों को दंडित करे कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा के बिना सूचना बाहर देने की, ठीक है, जिससे कि कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। तो अधिकृत व्यक्ति को सूचना देना जो संचार का एक माध्यम है, संचार का वो माध्यम तो है लेकिन उस माध्यम को भी रोकना चाहिए, और अधिकृत व्यक्ति को सूचना देना ही संचार का माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये पूरा होता है आज, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। मिलते हैं अगले इसमें, थैंक यू वेरी मच।